गाइस, ये मेरा जेड का प्लांट है और साथ में ही ये मैंने वैंडरिंग ट्यूब की मैंने कुछ कटिंग्स लगाई हैं और ये पॉट मैंने आज ही लगाया है। और उसके बाद ये मेरा कैक्टस है, ये कैक्टस की मैंने 15 डेज बैक इनकी कटिंग्स लगाई थी, सो आज इनकी ग्रोथ यहाँ तक हो गई है। सो लेट बी ग्रोथ फ्रॉम हेयर एंड हेयर। गाइस, ये पत्थर चिट्ठा है और इसी के साथ मैंने सिंगोनियम लगाया है जो 2 मंथ्स बैक मैंने लगाया था और आज उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई है, क्वाइट इम्प्रेसिव। एंड उसके आगे ये ग्लोई है, ये ग्लोई का बेल काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लाइक दिस मच, एंड ये और ऊपर गई है। उसके आगे गाइस, ये हमारा एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता पर इसका नाम आई थिंक सो इट्स पाम है आई थिंक, बट एग्जैक्टली मुझे इसका नाम नहीं पता है। उसके आगे गाइस, ये है मनी प्लांट, देखिए कितना अच्छा है, यू नो इट्स जस्ट गोल्डन टच दिया है इसको। उसके साथ ये कुछ मैंने वेंडरिंग ज्यू की कटिंग्स लगाई हैं और इसी के साथ ये एक पर्पल हर्ट की मैंने कटिंग लगाई थी, होप सो ये ग्रो कर जाए। वेंडरिंग ज्यू की तो अच्छी से चल रही हैं। उसके आगे गाइस, ये प्लांट्स हैं कुछ छोटे मोटे, ये आई थिंक या इट्स डेविल बैकबोन, बहुत अच्छा प्लांट है ये, इसकी वाइट फिनिशिंग आई जस्ट लव इट, लुक एट इट ना। उसके आगे फिर थोड़ी सी कटिंग्स हैं और ये मैंने लगाया है ये क्या है, ये मुझे याद भूल गया, आई थिंक गुट्टा बोलते हैं इसको हमारी भाषा में। उसके बाद ये थोड़ा सा मेरा एलोवेरा है और गाइस एक प्लांट ये है, ये एक्चुअली केसर है बट इसको सॉइल अच्छी नहीं मिली है, इस वजह से इसकी ग्रोथ कुछ अच्छी नहीं है, सो फूल काफ़ी पड़ते हैं इसमें, देखिए 3-4 फूल पड़ते हैं और ये अभी कल आई थिंक हो जाएंगे, ये देखिए कितने सारे फ्लावर्स हो रहे हैं।